गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सैर त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज 17 सितंबर है और आज हिमाचल प्रदेश में सैर का त्यौहार सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, तो अभी जो है सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं 8 बजे सो के उठ गई हूँ। तो बाकी तो मम्मी ने आज सुबह सुबह पत्री भी डाल दी थी, जब तब तो मैं सोई हुई थी जब डाली थी। बाकी अभी जो है अंदर खाने पीने का काम शुरू हो गया है, अभी बना रहे हैं खाना, तो अभी बाद में पहले अभी सैर की पूजा भी करनी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जो चीज़ें भी पूजा के स्थान में रखते हैं उनकी पूजा करते हैं। बट सबसे पहले चलते हैं किचन में, देखते हैं आज खाने में क्या क्या बन रहा है। अरे वाह, मम्मी ने तो आज सुबह सुबह ही बढ़िया पकवान बनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए, अभी कढ़ाई की रोटियां बन रही है यहाँ पे चूल्हे पे बढ़िया, और यहाँ पे जो है भल्ले भी बनेंगे, साथ में आलू काट के रख दिए हैं। बाकी विशाल का चला हुआ है अभी खाने पीने का काम, आज भल्ले भी बनेंगे, कढ़ाई की रोटियाँ और दाल चावल भी बनने होंगे। बाकी हम तो खाने वाले हैं, कुछ भी बन जाए हम तो खा लेंगे। तो चलिए हाथ धो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, फिर उसके बाद सैर भी पूजेंगे नीचे। तो विशाल मुझे बोल रहे हैं कि वो वाली बात याद है, वो एक स्टोरी हुआ करती थी, फिर ये बनाए भल्ले, क्या क्या होता था विशाल? फिर तुझे कुछ भी नहीं मिलना। तो चलिए ठीक है गाइस, अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद फिर नीचे सैर की पूजा करेंगे। तो आज पूरा दिन जो जो भी करते हैं इस त्यौहार में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना और देखना कि सैर के त्यौहार में क्या क्या करते हैं। अभी बोटी चेंज हो गया, दूसरे वाला बोटी आ गया। तो कढ़ाई की रोटी जो है मम्मी ने बनाई, अभी भल्ले बनाना शुरू कर दिया जो कि हमारी गित्तू बहन बना रही है। अब हमारे तीसरे बोटी और आ गए, ये देखिए जिन्होंने की सब्जी का डिपार्टमेंट संभाल के रखा है। सभी ने जो है सैर की पूजा कर ली है, बस मैं ही बची हूँ। तो मैं भी सैर की पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना भी खाना है। जो भी सामान वहाँ पे रखते हैं, मतलब रखा हुआ था, उसको पूजते हैं। बाकी जब सभी पूजा कर लेते हैं तो उसको सारे सामान को उठा के जो है बावड़ी के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे रखते हैं उसको, जब सैर की पूजा कर ली जाती है। तो सभी फिर खुशी खुशी सैर से प्रार्थना भी करते हैं कि वो हर साल ऐसे ही आए और ऐसे ही त्यौहार मनाए सभी। तो ओके, इसको भी थोड़ी देर के बाद लेके चले जाएंगे ऊपर और बावड़ी के साथ रख देंगे। बाकी खाना बनके रेडी है, गित्तू ने तो यहाँ पे खाना शुरू कर दिया है, बाकी मैं भी यहीं पे लेके आऊँगी अभी। तो चलिए, कढ़ाई की रोटी, भल्ला, आलू चने और साथ में चाय, बाकी चावल दिन को बनेंगे। तो फिलहाल अभी यही खाते हैं, देखने में तो टेस्टी लग रहा है, बाकी मैं खा लेती हूँ अभी। तो ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब सैर की पूजा कर देते हैं तो उसको बावड़ी के पास रख दिए देते हैं। तो देखिए यहाँ पे
बहुत सारी जो है लोगों ने रख दी है यहाँ पे, बाकी और साथ में रक्षाबंधन के दिन जो राखी पहनी होती है उसको उतार के भी इधर ही रख देता है, तो मैं तो इसको उतारना भूल गई थी, तो अभी मेरे को मम्मी ने भेजा कि जा इसको उतार के ऊपर रख के आ, तो इसको उतार के मैं अभी यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे सभी ने रख दी है, तो मैं भी अपनी राखी यहाँ पे रख देती हूँ। जय हो बजरंगबली। Till I get up, time is barely on our side. होने वाले दूल्हे के रूम में भी पेंट हो चुका है, स्काई ब्लू कलर का पेंट करवाया है, बिल्कुल मस्त लग रहा है, मेरा फेवरेट कलर है। और ड्राइंग रूम में येलो कलर का पेंट करवाया है, पहले यहाँ पे वाइट था तो सोचा था कि वाइट ही रखेंगे, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था ज़्यादा, तो इसको चेंज करके अब ऐसा करा है यहाँ पे। चलो बढ़िया हो गया है, शादी की तैयारियाँ लग गई है, बाकी 2 महीने बचे फिर उसके बाद शादी। आज फिर से जो है रॉकी को खेतों की तरफ घुमाने लेके आए हुए हैं, ऐसे सड़क के साइड जाते थे बट आज सोचा कि खेतों के साइड लेके जाते हैं, अभी अंकुश को वहाँ पे लेके गई है। बट जैसे हम ऊपर आए तो इधर नीचे घर है, उनका भी डॉगी है, और इन दोनों की एकदम फाइट लगी। मैं तो वहाँ से भाग के आंटी के पीछे छुप गई, बट अंकू ने रॉकी को नहीं छोड़ा, उसने उसको पकड़ के रखा और तब करके अंकल आए, फिर वो अपने डॉगी को लेके गए। अदरवाइज मेरे को तो अभी भी तक तक लगी हुई है। तो आज शहर के दिन ऐसा होता है जो हमारे बड़े होते हैं उनको ध्रुव देते हैं, तो अभी अम्मा आ गए और पापा और मम्मी जो है अम्मा को ध्रुव देंगे। तो ऐसे देते हैं, अगर मैं उधर होती अपने घर में तो मैंने भी मम्मी जी और पापा जी को ऐसे देनी थी, बाकी इधर भी देनी थी, बट ऐसा है कि इस बार श्राद्ध लगे हुए हैं, तो अभी मेरी नई नई शादी हुई है, तो जैसे जो जिनकी नई नई शादी हुई होती है, तो मेरी फर्स्ट सैर है अभी शादी के बाद, तो मैं ऐसे नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना वो मोई तिथि बैठी हुई है अभी, तो अभी शुभ नहीं है नवरात्रे तक, तो मैंने नहीं दी, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं दूंगी। तो ओके गाइज, आज सैर का त्यौहार बहुत अच्छा रहा, बाकी करते हैं आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर, कमेंट, बाकी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, और तब तक मैं बढ़िया अखरोट खाती हूँ, और आप भी खाए, आपने भी खाए होंगे, और आपने भी आज का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। चलो आपके परिवार में भी ऐसे ही हर बार ये त्यौहार आता रहे और आप भी खुशी से मनाते रहे। बाकी ओके, मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर।